गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपने कभी भगवान का दिया हुआ पत्र आपके लिए पढ़ा है? मैं पढ़कर सुनाता हूं। भगवान कहते हैं, मेरी प्रिय, सुबह तुम जैसे ही सोकर उठे मैं तुम्हारे बिस्तर के पास ही खड़ा था। मुझे लगा कि शायद तुम मुझसे कुछ बात करोगे। तुम कल या पिछले हफ्ते हुई किसी बात या घटना के लिए मुझे थैंक यू बोलोगे, लेकिन तुम्हें फटाफट चाय पीकर तैयार होने लगे और मेरी तरफ देखा भी नहीं। फिर मैंने सोचा कि तुम शायद नहा के मुझे याद करोगे। फिर तुम उस उधेड़ बुन में लग गए कि तुम्हें आज कौन से कपड़े पहनने हैं। फिर जब तुम जल्दी से नाश्ता कर रहे थे और अपने ऑफिस के कागज इकट्ठा करने लगे, घर में इधर से उधर दौड़ रहे थे, तो भी मुझे लगा कि शायद अब तुम मेरा ध्यान आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी तुमने ऑफिस जाने के लिए ट्रेन पकड़ी तो मैं समझा कि इस खाली समय का उपयोग तुम मुझसे बातचीत करने में करोगे, पर तुमने थोड़ी देर पेपर पढ़ा और फिर खेलने लग गए अपने मोबाइल में और मैं खड़ा ही रह गया। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि दिन का कुछ हिस्सा मेरे साथ बिताकर तो देखो, तुम्हारे काम और भी तरह अच्छी तरह से होने लगेंगे। लेकिन तुमने मुझसे बात ही नहीं की। एक ऐसा मौका भी आया जब तुम बिल्कुल खाली हाथ थे और कुर्सी पर पूरे 15 मिनट यूं ही बैठे रहे, लेकिन तब भी तुम्हें मेरा ध्यान नहीं आया। मेरा बड़ा मन था कि मैं तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बनूं, तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताऊं, तुम्हारे कुछ सुनूं, तुम्हें कुछ सुनाऊं। प्रिय पुत्र, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा मार्गदर्शन करूं ताकि तुम्हें समझ में आए कि इस धरती पर तुम क्यों आए हो, तुम क्यों इन कामों में उलझे हो। हर रोज मैं इस बात का इंतजार करता हूं कि तुम मेरा ध्यान करोगे और अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए मेरा धन्यवाद करोगे, पर तुम तभी आते ही जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है, तभी तुम मेरे पास आते हो। तुम जल्दी में होते हो और तुम्हारे मांगे मेरे आगे रख के चले जाते हो, और मजे की बात तो यह है कि इस प्रक्रिया में तुम मेरी तरफ दिखते भी नहीं। ध्यान तुम्हारा उस समय भी लोगों की तरफ ही रहता है और मैं इंतजार करता ही रह जाता हूँ। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है कल तुम्हें मेरी याद आ जाए, ऐसा मुझे विश्वास है। मुझे तुम में आस्था है, आखिरकार मेरा दूसरा नाम आस्था और विश्वास ही तो है। तुम्हारा ईश्वर। थैंक यू।